इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो एफिशियंसी तो एज यू नो दैट वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज बट ऑल द पोर्टफोलियोज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एफिशियंट सो नाउ द क्वेश्चनरइज के एफिशियंट पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है तो एफिशियंट पोर्टफोलियो उस पोर्टफोलियो को बोलते हैं जिसमें जिससे जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कराओ या यील्ड कर रहा हो तो अगर आपके पास दो तरह के पोर्टफोलियोज़ हैं जिनमें आपको जो रिस्क आप ले रहे हो सपोज़ दोनों में सिक्स परसेंट है मगर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है अगर एक से आपको बारह फ़ीसद मिल रहा है दूसरे से आपको आठ फ़ीसद मिल रहा है तो इन दोनों केसेस में दोनों पोर्टफोलियोज़ के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाला पोर्टफोलियो है यानी कि बारह परसेंट वाला दैट विल बी कंसिडर्ड एज The efficient portfolio. So when we decide between different portfolios, किस में हमें investment करनी चाहिए तो हम हमेशा वो portfolio में investment करना पसंद करते हैं जो कि हमें maximum पॉसिबल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यील्ड करके दे रहा हो एट अ गिवन सर्टन लेवल ऑफ रिस्क सो वेन वी फर्दर डाइग्रेस ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशेंट पोर्टफोलियो We come across a concept that is called the efficient frontier so what we invest if we investigate it further we can say that we can develop a curve or a frontier that can be composed only of those portfolios those combinations that yield maximum expected rate of return so kaha k hum एक कॉन्सेप्ट है एफिशिएंट फ्रंटियर का जिसको इस्तेमाल करके हम एक ऐसा कर्व या फ्रंटियर को डेवलप कर सकते हैं जो कि सिर्फ उन कॉम्बिनेशंस को पॉइंट्स पर मबनी होता है जिस पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ वो पोर्टफोलियोज़ बैठे हों या मौजूद हों जिनसे आपकी सर्टन रिस्क लेवल के ऊपर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हील्ड हो रहा हो तो उन तमाम पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर देंगे और हमें एक कर्व मिलेगा जिसको हम एफिशिएंट फ्रंटियर बोलते हैं सो so, um, वो फ्रंटियर के ऊपर तमाम जो कॉम्बिनेशनस हैं पोर्टफोलियोज मौजूद होते हैं उस पर्टिकुलर फ्रंटियर के ऊपर वो आपको सिर्फ वही कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे होते हैं जहाँ से आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम हो जाए क्योंकि एज एन इन्वेस्टर्स वी नो कि शायद ही कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा जो कि इस किस्म की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां उसको मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ना मिले कम पैसे मिले रिटर्न uh, के तौर पे तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इस किस्म की कॉम्बिनेशन में जाए तो दे ऑलवेज गो फॉर द दोज कॉम्बिनेशन दोज पोर्टफोलियोज दैट फॉल ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर सो इफ वी लुक एट द पर्सन हु डेवलप दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ हेरी मैरकोविट्स हु डिवेलप दिस कॉन्सेप्ट इन नाइनटीन फिफ्टी टू एंड द थेरी जिसका ये एक हिस्सा है एफिशियंट uh, फ्रंटियर जो उसने प्रजेंट की थी जो कि हमें एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से लोग मैक्मम एक्सपेक्टेड रेट रेट ऑफ रिटर्न के पोर्टफोलियोज को डिफाइन करते हैं और फिर ऑप्टीमल एलोकेशन करते हैं अपने फंडस की अपने इन्वेस्टमेंट्स की उस पर्टिकुलर चीज को जानने के लिए जो थेरी बनाई उन्होंने दैट इज Uh, known as the modern portfolio theory, and it is abbreviated as MPT, and it explains the concept of um, allocation or selection of the portfolios based upon the concept of efficiency frontier. So, we are going to further uh, delve into it, we will discuss further detail. So, basically, uh, according to MPT, uh, an investment. इज व्हेन व्हेन इन्वेस्टर्स डिसाइड कि मुझे इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑपरचुनिटी में या पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो वो देखते हैं कि हमें इससे जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो हाईएस्ट पॉसिबल है या नहीं है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखते हैं वो और जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो, वो उनमें हम ये भी एक अहम बात है जो कि एम हमें बताती है मॉडर्न पोर्टफोलियो थेरी के अब अगर आप किसी एक तरह की इन्वेस्टमेंट के रिस्क को और रिटर्न को अकाउंट फॉर करते हैं तो इन्वेस्टर्स आल्सो सी या जो आपके प्रोफेशनल एसेट मैनेजर्स हैं वो हमेशा देखते हैं कि किसी एक एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से जो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं रिस्क के लिए वो आपके ओवरऑल पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के रिस्क को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरे पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है सो दैट इज़ अनदर पू

तो इनएफिशेंट पोर्टफोलियो वो होगा जहां आप आ, अपने आप जो रिस्क एलिमेंट है वो इंक्रीज कर जाती है वेयर एज़ यू कैन हैव सर्टन अल्टरनेटिव्स जिसमें द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न वाले कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होंगे जिसमें इस पर्टिकुलर इनएफिशेंट पोर्टफोलियो से कहीं गुना कम या कम रिस्क लेना पड़ेगा आपको फॉर एग्जाम्पल हम कोई हाई यील्ड बॉन्ड की बात करें उन्होंने आपको प्रॉमिस किया कि हम आपको सिक्स परसेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न ऑफर कर रहे हैं मगर उसके लिए जो आपको रिस्क लेना पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा है देर आर चांसेस कि आपको सिक्स परसेंट इससे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न मिलेगी और इसकी जो रिस्क है दैट इज़ रिस्क अटैच दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज़ रिलेटिवली हायर तो सपोज उसी सिचुएशन में आपने देखा के जो ट्रेजरी बिल थी टी बिल थी वो भी आपको सिक्स परसेंट इंटरेस्ट ऑफर कर रही थी मगर वहाँ इंटरेस्ट के साथ में रिस्क जो थी वो जीरो है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हाई यील्ड बॉन्ड का रिटर्न है दैट विल बी टर्मड एज एन इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो या इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि इससे कम रिस्क के ऊपर सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ आपको कोई और मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है So this is how we define the concept of inefficient portfolios. And uh, inefficient portfolios are there in the market. So when the professional asset managers decide or they develop the finished products for the investors, they, they do look that a portfolio develop kar hai, ye efficient portfolio hai ya inefficient portfolio hai. They efficiency frontier ko account for karte and then they develop the products that are offered in the market for the investors.